हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी प्लस टू की फिजिक्स को, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डायपोल के सेंटर से पास होने वाली डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अपना फाइंड करना है। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को जो रिप्रेजेंट करने वाली टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होती है P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। ये एक वैक्टर क्वान्टिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की हमारी जो डायरेक्शन होगी। और साथ में इसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास क्यू इंटू टू ए, यहाँ पे टू ए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और ये हमने सेंटर से ए और ए ले लिया, तो सेंटर से जे यू आर डिस्टेंस पर पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस की इस पॉइंट के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर एडिशन कर लेंगे। ऐसे फिर हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो चलिए हम पहले इन दोनों चार्जेस की मदद से इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों चार्जेस के इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हम सिंपल ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, और ये डिस्टेंस है हमारा आर और ये है ए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ये हमारा होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। और तो सिंपली हम देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस की इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल आ रहा है हमारे पास। ऐसे इन दोनों चार्जेस का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा। और आपको पता ही है कि इनका नेचर एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, ये जैसे नेगेटिव ये पॉजिटिव। और अब हमको पता है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हम उसके आर डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और आर जो होती है हमारी उस पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस होता है जहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और आप देख सकते हैं ये दोनों डिस्टेंस भी हमारे पास सेम। अब हमको पता है इन दोनों चार्जेस का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसलिए इन दोनों चार्ज का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आए इस पॉइंट के ऊपर वो आएगा, वो मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। और उसको सेम सिंपली लिखा जा सकता है E प्लस Q इज इक्वल टू E माइनस Q बाय R स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा K Q और R हमारा ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो जब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हमारा यहाँ से हट जाएगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के हम डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की तरफ होता है। इस पॉइंट से ये ऐसे आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी, और इसको हम लिखेंगे E माइनस क्यू। और ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड होती है, और इसको हम लिखेंगे E प्लस क्यू। अब हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली ऐड करेंगे ताकि हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूस करेगा उसको हम कैलकुलेट कर पाएं। तो इसके लिए हम जो है कंपोनेंट मेथड हमारा यूज़ करेंगे। इनको थीटा मान लेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो इसका अल्टरनेटिंग एंगल ये हमारा थीटा होगा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। और इधर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो इसका अल्टरनेटिंग एंगल ये हमारा थीटा होगा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। और इधर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा सेम हो जाएगा। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो इसके वर्टिकल ऑपोजिट ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। अब हम इसके कंपोनेंट कर लेंगे, तो किसी भी
एंगल के जब हम किसी वेक्टर के जब कंपोनेंट करते हैं, जो थीटा से जुड़ा हमारा कंपोनेंट होता है वो हमेशा हमारे पास कॉस थीटा होता है, यानी ये हमारे पास आएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। ऐसे ही हम ई माइनस क्यू के कंपोनेंट करेंगे, ये थीटा से जुड़ा जो हमारा कंपोनेंट है वो आ जाएगा ई माइनस क्यू सा कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो हमारा जो इस पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ओनली कॉस की टर्म्स में आएगा, इसलिए सिंपली हम लिख सकते हैं जो इस पॉइंट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिंपली क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लग के ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। हम सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई प्लस क्यू, हमारा यहाँ से लिखा जा सकता है ई टू एस टी आ जाएगा के क्यू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और जो जो हमारा कॉस थीटा है वो सिमिलरली आप इस डायग्राम से देख सकते हैं वो हमारा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। तो ये आ जाएगा हमारा, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है क्यू इंटू टू है, इसको हम पी लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर थ्री बाय टू। इसको सॉल्व करके ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से क्यों आ जाएगा, आर के कंपैरिजन में ये जो टोटल डिस्टेंस है पॉइंट्स की वो काफ़ी कम होती है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए, यहाँ पे हम ए को निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ए को निग्लेक्ट करते हैं आर के कंपैरिजन में, सो सिमिलरली ये बन जाएगा के पी और नीचे ये आ जाएगा आर स्क्वायर और थ्री बाय टू, ये आर क्यूब बन जाएगा हमारे पास, ये ऐसे हमारे पास आर क्यूब आ जाएगा ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। तो इस ये के की वैल्यू हमने पीछे कूलम लॉ में की थी वो जनरली क्या होती है, के इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नोट होता है हमारा, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो, ये आ जाएगा इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट पी, और साथ में ये हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब।